इस हाथ से दो उस हाथ से लो, ये रिश्वत है जरा छिपा कर दो। अरे ये क्या, पकड़े गए ना। ध्यान से देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग के CMHO बाबू हैं जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। विजय सिंह सोलंकी स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी हैं जो 2 महीने पहले रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद अपने पेंशन की प्रक्रिया को निपटाने के लिए सोलंकी साहब स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे उनके हिस्से वाली पेंशन की राशि जारी करने के लिए रिश्वत की मांग की गई। घूस की रकम पहले तो 18,000 रुपए तय की गई, लेकिन भ्रष्टाचार के दुकान में मोल भाव करने के बाद CMHO बाबू 7,000 रुपए पर ही राजी हो गए। पीयूष चोकड़े जो है बाबू है, और मेरे रिटायरमेंट का पैसा निकालने के लिए मेरे से रिश्वत की मांग करी थी उन्हें 18,000 रुपए, उसमें तोड़ी करके 7,000 रुपए में बातचीत हुई, और इसमें मैं तुम्हारे पूरे प्रकरण कर दूंगा और तुमको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन CMHO साहब भूल गए कि वो जिनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं वो खुद भ्रष्टाचार वाले सिस्टम में पसीना बहा चुके हैं। रिटायर्ड ड्रेसर सोलंकी साहब ने समझदारी दिखाते हुए रिश्वत की रकम अदायगी से 2 दिन पहले ही पुलिस को इसकी सूचना दे दी। और फिर क्या, इंदौर से आई पुलिस की टीम ने आरोपी CMHO विजय चौकड़े को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। पेंशन प्रकरण तैयार करने व कोषालय पेश करने के लिए CMHO कार्यालय खंडवा के लिपिक पीयूष चौकड़े द्वारा 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया, शिकायत सही पाए जाने पर आज 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पीयूष चौकड़े लिपिक Grade 3 को CMHO कार्यालय खंडवा से रंगे हाथ पकड़ा गया। कहानी यही रहती है कि आम लोग परेशान होते रहते हैं, अपने हक के लिए जूझते रहते हैं, और सरकारी अफसर यूं ही कुर्सियों पर बैठे बैठे रिश्वत की मांग करते रहते हैं। रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार पहल तो कर रही है, लेकिन बावजूद इसके रिश्वतखोरों को कोई डर ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।